दोस्तों ये एक स्टोरी है जो कि बहुत शॉर्ट स्टोरी है, जो कि आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमेशा कुछ नहीं होने के लिए परेशान रहते हैं कि भाई मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास कोई एक अच्छा डिवाइस नहीं है, मेरे पास कोई एक अच्छा कैमरा नहीं, सिर्फ बहुत सी चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है। दोस्तों आज इस मोटिवेशनल वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देगी, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म स्टोरी है आप सभी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। दोस्तों एक चाय वाला था, चाय बनाता था, वो रोड पर अपनी रेडी लगाता था। उसे पता चला कि एक जगह इंटरव्यू चल रहा है ऑफिस में, वहाँ पर चाय बना के देना है, वहाँ पर उसे कुछ अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाएगी। तो वहाँ पर इंटरव्यू गया देने, उसने काफ़ी अच्छी चाय बना के वहाँ के लोगों को पिलाई और इंटरव्यू में सिलेक्ट भी होने वाला था, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले ने उससे बोला कि हम तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो। तो दोस्तों वहाँ पर वो हैरान हो गया, बोलता सर ये ईमेल आईडी क्या होती है? तो बोलता है कि भाई ईमेल आईडी तुम्हें नहीं पता, ईमेल आईडी की वजह से हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या वो तुम्हारे पास है? वो कहता है सर नहीं है। तो इंटरव्यू लेने वाले उससे कहते हैं कि सॉरी आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो वहाँ से बेचारा मायूस होकर चले जाता है, बस इतनी सी बात के लिए वो मायूस होकर रोड पर चलते रहता है, बोलता है कि भाई अब क्या करें। बहुत ही ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। वहाँ पे चलते चलते रास्ते में वो मार्केट में आता है कि देखता है कि लोग सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो वहाँ पर एक दो दिन बाद वो सब्ज़ी की रेडी लगाने लग जाता है रिटेलर लोग से ख़रीदने के बाद, तो उसमें उसको बहुत ही कम मुनाफा होता है, तो भी वो ज़्यादा परेशान नहीं हुआ और कई सारे पैसे जुटा के वो फिर रिटेलर बन गया। तो ऐसे करते करते दोस्तों वो काफ़ी आगे चले गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद लाखों का मालिक हो गया है। एक बार उसने एक इंटरव्यू अटेंड किया, वहाँ पर उससे पूछा गया कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। उसने कहा कि भाई सॉरी यार कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता। तो बोलता सर ईमेल आईडी दे दीजिए। तो वहाँ पर वो इंटरव्यू में कहता है यार ईमेल आईडी क्या होती है, अगर ये मेरे पास होती ना तो मैं यहाँ अभी नहीं होता, कहीं पर चाय बना रहा होता। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी हमारे तरफ से वीडियो, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी मोटिवेट करे तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की और भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर चुका है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।